आईटीआई इलेक्ट्रिकल एडवेंचर चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिकल के बारे में, जो मैं आई प्रैक्टिकल है। तो दूसरे लेसन में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट प्रैक्टिकल में, मतलब दूसरे लेसन में आप देखेंगे कि सारे टूल्सों का प्रदर्शन है, ठीक है। जितने भी टूल्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी हासिल करेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक एक टूल के बारे में, ठीक है। एक एक टूल हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये अपना हमारा प्रोजेक्टर पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये टूल्स हमने बनाया हुआ है, ठीक। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, ठीक है। तो पहला हमारा यहाँ पे जो है टूल्स है, दिया गया है यहाँ पे स्केल रूल दिया गया है। ये स्केल रूल जो आपका होता है, स्टील का बना होता है, इसका सही नाम होता है स्केल रूल, ठीक है। जो स्टेनलेस स्टील का बना होता है, इससे हम माप सकते हैं। ये हमारे यहाँ एक फीट का, एक फीट या एक मीटर दोनों में उपलब्ध होता है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर कामनली यूज करते हैं, एक फीट का यूज करते हैं, यानी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे पूरा स्टील रूल की जानकारी यहाँ पर दी गई है। यूज फॉर लाइनर मेजरिंग एंड मेकिंग, यानी लाइन बनाने के लिए, लाइन को मापने के लिए और लाइन को खींचने या बनाने के लिए हम लोग स्केल रूल का यूज करते हैं, ठीक। फिर मटेरियल, मटेरियल क्या होता है, मटेरियल इसमें होता है स्प्रिंग स्टील एंड स्टेनलेस स्टील, ठीक। मतलब इसको बनाने के लिए दो चीज का यूज किया जाता है, ठीक। उसके बाद इसका ग्रेडिंग, मतलब जो ग्रेजुएशन जो होता है इसका, हम कितने एमएम में ले सकते हैं, 10 एमएम में आता है, 5 एमएम में ले सकते हैं, 1 एमएम तथा 0.5 एमएम में भी हम क्या करते हैं इसकी मेजरिंग ले सकते हैं, इसकी एक्यूरेसी होती है। और साइज की बात करें तो हमको 150 एमएम, 300 एमएम और 600 एमएम, तीनों साइजों हमें ये उपलब्ध होता है, ठीक। आगे बात करते हैं, देखिए ये दिया गया है आपका कैलिपर। कैलिपर आपके होते हैं तीन टाइप के, एक होता है आउटसाइड स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, ये आउटसाइड कैलिपर है। इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पाइप का, समझ लीजिए पाइप या गोला का, पाइप और गोले को इसे बाहरी छोर पे इसके टन में, इसे पाइप या गोला लगा के, इस एक मान से पाइप लगा के या किसी गोले को हम लोग क्या करते हैं व्यास मापते हैं, बाहरी व्यास मापने के लिए हम लोग इसको इस कैलिपर का यूज करते हैं, किसका, आउटसाइड स्प्रिंग कैलिपर। फिर उसके बाद आपका आता है ये इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर क्या होता है, मान लीजिए जो आपका पाइप है आपने बाहर का तो व्यास माप लिया, लेकिन अंदर से ही पाइप कितना मोटा है, तो ये इनसाइड कैलिपर होता है कि पाइप का बाहरी अंदरी हिस्सा के जो होता है, अंदरी हिस्से की जो मोटाई होती है उसका व्यास मापने के लिए हम क्या करते हैं इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक होता है नार्मल कैलिपर होता है, ये आपका आउटसाइड कैलिपर, ये आपका इनसाइड कैलिपर। टाइप ऑफ माइक्रोमीटर, देखिए जो टाइप ऑफ माइक्रोमीटर के अंदर ये आपका कैलिपर भी आता है। देखिए इसमें कई प्रकार के, नाइन प्रकार के दिए हैं। पहला है आउटसाइड माइक्रोमीटर, माइक्रोपाइप मीटर के बारे में बताया गया है। इनसाइड माइक्रोमीटर, वर्नियर माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर जो गहराई वाला होता है, बेंच होता है, डिजिटल माइक्रोमीटर है, ज्यादातर इसमें चलन भी नहीं है डिजिटल माइक्रोमीटर का। इसमें आपको कुछ ज्ञान करने की जरूरत नहीं है, एनिमल रोल जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप व्यास माप सकते हैं किसी भी पदार्थ का, ये क्या आपका डिजिटल माइक्रोमीटर है। डिफरेंस ऑफ माइक्रोमीटर, मोमेंट ड्रिल गेज या स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, तो पुराने चर्चा में यही स्क्रू थ्रेड था, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा प्रचलन में आपका 6 नंबर वाला है डिजिटल माइक्रोमीटर। ये आपका बना हुआ है माइक्रोमीटर, देखिए यहाँ पे यहाँ से घुमाने के लिए होता है एनविल, इसे हम लोग एनविल बोलते हैं, ठीक है। और इसके बीच में हम किसी भी वस्तु का या तार का हम क्या करते हैं व्यास मापते हैं, इसके बीच में डालते हैं, ठीक है। इसको घुमा के देखिए, यहाँ पे हमें त्रुटियाँ दिया 25 mm से 0.01 mm तक, इसके हम क्या कर सकते हैं मापन कर सकते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे अलग अलग भागों की यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया है, देखिए रिचेट नॉब दिया, इसे नॉब बोलते हैं, इसे नॉब बोला जाता है, ठीक है। यहाँ से ये थंबवेल है, थंबवेल से घुमाया जाता है, और ये क्या होता है आपका लॉक होता है, जब आप किसी भी चीज़ की माप कर लेते हैं तो आप क्या कर देते हैं लॉक कर देते हैं। ये इसका फ्रेम है, ये इसका फ्रेम बना होता है, ये आपका देखिए एनविल दिया है, ये आपका स्पिंडल है, एनविल जो आपका होता है फिक्स होता है, और आगे पीछे आपका क्या होता है स्पिंडल होता है, आगे पीछे आपका स्पिंडल होगा और एनविल आपका लॉक स्थिति में रहता है, ठीक है। ये आपका हो गया माइक्रोमीटर, देखिए आप ये माइक्रोमीटर कैलिपर डिजिटल के बारे में दिया गया, देखिए यहाँ पे छोटा सा डिस्प्ले लगा हुआ है, ठीक है। इससे भी हाईटेक किस समय आ रहे हैं,
ठीक है। यहाँ लिखा है माइक्रोमीटर कैलिपर डिजिटल मोस्ट मेजरिंग टूल अबार एल्यूमिनियम विथ ए डिजिटल रीड आउट एडवांटेज। इसके एडवांटेज इज अप टू रीड, मतलब आसानी से आप इसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। जो ओल्ड टाइप के माइक्रोमीटर है जो इसके बारे में अगर जिसको जानकारी नहीं है तो उससे रीड नहीं कर सकता या इसको चला नहीं सकता, लेकिन ये जो डिजिटल माइक्रोमीटर है इसे कोई भी आसानी से चला सकता है, ऑपरेट कर सकता है। कैन बी इंटरफेयर विद द डाटा कलेक्शन ऑफ डिवाइस, मतलब आसान से आप जो डाटा जितना नापे हैं वो सारा डाटा कलेक्शन में स्टोर रह सकता है, ठीक है। इजी टू कन्वर्ट बिटवीन इंग्लिश एंड मैट्रिक यूनिट, यानी आसानी से आप ब्रिटिश जो इंग्लिश होता है ब्रिटिश और मैट्रिक यूनिट जो जो आपका होता है जो SI लेवल पे चलता है, ठीक है, तो इसे आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। देखिए अलग अलग माइक्रोमीटर के बाद यह है कि ए माइक्रोमीटर इज वाइडली यूज द डिवाइस इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर प्रिसाइसली मेजरिंग थिकनेस ऑफ ब्लॉक आउटर एंड इनर डायमीटर शेप एंड डेप्थ ऑफ सॉल्ट, यानी कह रहा है कि हम इंजीनियरिंग में इसका उपयोग माइक्रोमीटर का किसी भी ब्लॉक यानी किसी भी पदार्थ का मोटाई मापने के लिए व्यास मापने के लिए हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, हाउ टू यूज माइक्रोमीटर के बारे में यहाँ पर दे दिखा है कि ये होता थंबनेल से घुमाया जाता है, थंबनेल रोटेट राउंड ए सिलेंडर विच इज द मेकेड इन मिलीमीटर, ये आपका जब से घुमाते हैं तो मिलीमीटर में क्या करता है मापन करता है। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द थंबनेल हैज मेकिंग आर अराउंड ठीक दिस लाइन एवं जीरो टू द प्राइमरी पॉइंट, यहाँ पे हमेशा जब भी आप इसको जब सेट करते हैं तो इसको जीरो पॉइंट प्राइमरी साइड पे सेट किया जाता है, ठीक है। क्लोज द जॉ, जब इसको आप घुमाते हैं तो जब आपका एनविल और स्पेंडर जब आपस में क्लोज हो जाते हैं किसी वजह क्लोज हो जाते हैं, उसके बाद कैलकुलेट द लीड्स ऑफ काउंट प्लीज ऑब्जेक्ट बिटवीन द टू जॉ, ठीक है। ऑब्जेक्ट का हम क्या करते हैं यहाँ पे मापन कर सकते हैं, इसका नाम होता है आपका वायर स्ट्रिपर। देखिए विद्युत कार्य में इसका उपयोग बहुत व्यापक है, इससे हम तार को काट सकते हैं, तार को छील सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे पाउडर कटर फिनिश दिया, यहाँ पे आप इस भाग से क्या करते हैं वायर को कटिंग कर सकते हैं और इस भाग से भी वायर का कटिंग कर सकते हैं। जो ये वी ब्लॉक बना होता है वी की मार इस तरह से यहाँ पे आप वायर से आराम से आप क्या कर सकते हैं छील सकते हैं, वायर को छीलने का काम आप यहाँ से करेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये होता है लॉक, इसे क्या करते हैं जब पकड़ के ऐसे से दांत से क्या होता है ये लॉक स्थिति में हो जाता है, जिसको आप ऐसे ही दाबते हैं एक बार से क्या कर दाबते हैं बस थोड़ा सा इसको ऐसे थोड़ा सा दाबेंगे तो लॉक छूट जाएगा, ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा, ठीक है। इस पर PVC इंसुलेशन लगा होता है, ठीक है, और ये नट जो होता है एडजस्ट के लिए होता है, ठीक है। आगे ये देखिए ये वायर स्ट्रिपर सिर्फ वायर स्ट्रिपर है, ठीक है, ये पुराने मॉडल का वायर स्ट्रिपर है, ठीक है, जो आप पहले देखे थे वो लेटेस्ट में आया है। देखिए इसका बस ये देखिए वी ब्लॉक दिया है, आप यहाँ पे और यहाँ पे किसी भी वायर को आसानी से इंसुलेशन उतार सकते हैं। इंसुलेशन उतारते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वायर के ऊपर कोई भी कट का निशान ना है, अगर वायर पे कट का निशान आ जाता है तो क्या वायर कमजोर हो जाता है और जब ऐसे दो तीन बार मुड़ता है तो टूट जाता है, ठीक है। इसका आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, ये ट्राई स्क्वायर के बारे में आपको पता होगा, देखिए दो साइज में आता है, देखिए 6 इंच का है और 12 इंच का भी आता है, ठीक है। तो ये इसकी देखिए लंबाई नहीं है 4.75 इंच, ये अंदर जब 3 इंच है, ठीक है। इसका यूज हम लोग करते हैं ज़्यादातर, इसका यूज कारपेंटर करता है, इलेक्ट्रीशियन में जब वायरिंग करते हैं तो वायरिंग के समय जहाँ 90 डिग्री का एंगल लेना होता है, 90 डिग्री का एंगल लेना होता है, हम इसके द्वारा उसकी सटीकता को क्या करते हैं मापते हैं, ठीक है। ये इसका स्केल मेजरिंग स्केल दिया हुआ है, देखिए इसको रख रखाव के बारे में भी आपको जानना जरूरी है, अगर रख रखाव इसका क्या होता है कि इसके कभी भी इससे स्क्रू ड्राइवर का काम नहीं लेना चाहिए, स्क्रू ड्राइवर बोले तो आप जैसे इसके तिकोने भाग से कभी भी कोई भी नट खोलने कोई भी स्क्रू खोलने की कोशिश ना करें, और इसको रखना है तो इसके ऊपर हल्का सा ग्रीस या मोबिल का लेप लगा के रखें जिससे इस पर मौसम की प्रभाव ना पड़े और इसके ऊपर मूर्छा ना लगे, इसे जब जंग बोलते हैं, ठीक है। इसका यही एक रख रखाव है बहुत जरूरी है, इसको कभी फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि आप फेंकेंगे तो देखिए ये कास्ट आयरन का बना हुआ है ये टूट सकता है, ठीक है। आगे बढ़िए,
ये देखिए स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज और एक होता है AWG अमेरिकन वायर गेज, एक होता है ब्रिटिश वायर गेज, ठीक है। अलग अलग वायर गेज होते हैं कि आपका क्या है SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज। देखिए इसमें इसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी वायर का क्या करते हैं, व्यास ज्ञात करते हैं। व्यास करने का मतलब ये है कि जान कि आपका वायर गेज है इसमें खांचे बने होते हैं 1 से 36 तक इसमें खांचे बने होते हैं। जिस खांचे का नंबर जितना अधिक होगा वो उसका व्यास उतना ही कम होगा, जिस खांचे का व्यास जितना बड़ा होगा उसका नंबर उतना ही कम होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे अपोजिट चलता है, ठीक। तो जान लीजिए इसका नापने का तरीका ये है कि जैसे हमारे यहाँ एक नंबर, देखिए यहाँ पे 0 भी दिया है लेकिन 1 से स्टार्ट होता है, ये जैसे एक नंबर है यहाँ पे, तो आप देखेंगे जब ये एक नंबर है तो इसको जहाँ पे आसानी से घुस जाए, यानी मान लीजिए इसमें वायर को डालते आसानी से जहाँ पे वायर घुस जाता है, ठीक है, ना ज़्यादा टाइट होता है ना ज़्यादा लूज होता है, तो वही उस तार का क्या होता है, नंबर होता है, ठीक है। इसे हम SWG कहते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज करके इंट्रोडक्शन दिया जाता है, इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर मेजर क्रॉस एरिया गेज ऑफ वायर, पर किसी वायर का हम गेज एरिया यानी उसका व्यास मापने में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं व्यास मापने में, ठीक है। वेरियस यूज ऑफ वायर गेज मेजर्स क्रॉस एरिया विथ वायर टू मेजर गेज, ठीक है। ये आपका गेज बना हुआ है, देख लीजिए, और इसका कैसे प्रयोग करना है इसका भी मैंने वीडियो बना के आप रखा हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं किस तरह इसका प्रैक्टिकल हम करेंगे और किस तरह हम इससे वायर को मापेंगे, ठीक है। ये क्या सोल्डरिंग आयरन, आपको पता होगा कि सोल्डरिंग वायर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में या इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में इसका व्यापक उपयोग है, ठीक है। ये विभिन्न विभिन्न साइजों में है, देखिए 60 वाट से लगभग 200 वाट तक आते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं हम तो 10 वाट से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, 10 वाट से हमारा इलेक्ट्रिक आयरन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिकल में यूज करते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है 60 वाट से स्टार्ट होता है, ठीक है। जिसके लिए अलग अलग सोल्डर का हम लोग यूज करके कि धातुओं को क्या करते हैं, जोड़ने के वायरों को जोड़ने के हम लोग यूज लेते हैं, जिसमें हम लोग सोल्डर और प्लग का यूज करते हैं। ये हमारी एक कापर बीट होती है, ठीक है, ये कापर का बना हुआ बीट होता है, इसके अंदर नाइक्रोम का हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, जब ये हीटिंग एलिमेंट के साथ टेम्परेचर जब 300 के एबो पहुँचता है तो जो भी यहाँ पे जो हमारा सोल्डर होता है लेड और टीन का बना होता है, इसके हम लगा तो क्या होता है वो इसमें पिघल जाता है, क्योंकि सोल्डर और लेड का बना हुआ जो सोल्डर होता है उसका तापमान गलना क्या होता है, कम होता है। तो फ्लक्स लगा के हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे किसी भी भाग के ज्वाइंट करते हैं। विशेष ध्यान ये देना चाहिए कि आपका सोल्डर अच्छे से पिघला होना चाहिए और जब तक तार जुट ना जाए तब तक टिप को वहाँ से हटाना नहीं चाहिए। इधर होते हैं कापर बीट सोल्डरिंग आयरन, ठीक है, ये कापर बीट सोल्डरिंग आयरन है, इसका यूज हम लोग ओवर हेड लाइनों में करते हैं, जहाँ पे मोटे मोटे तारों को क्या किया जाता है वो उसको सोल्डरिंग किया जाता है, ठीक है, जो भी ओवर हेड लाइन है ट्रांसमिशन लाइन है। ये आपका कापर बीट है, ठीक है, आपको कुल्हाड़ी की तरह दिख रहा होगा, ठीक है, इसका इधर भी थ्रेड होता है इधर भी थ्रेड होता है, इसका आकार ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो जाता है इसका आकार, यहाँ पर भी थ्रेड कटा होता है, यहाँ से खोल के आप इधर बांध सकते हैं, ये कापर बीट होता है, ठीक है। कापर बीट का यूज हम लोग सोल्डरिंग में करते हैं क्योंकि कापर बीट का जो हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 1083, ठीक है। ये देखिए आपका ग्लो लैंप है, ठीक है, जैसे कापर बीट था उसको हीट करने के लिए जरूरत होती थी, इसका नाम होता है ग्लो लैंप, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं क्रोसिन ऑयल भरे जाते हैं, अगर आप पुराना मॉडल जो स्टोव देखे होंगे स्टोव, उसमें देखिए यहाँ पे स्टोव की तरह ये यहाँ वाशर लगा हुआ है, इसमें वाशर लगा हुआ है, जब इसको क्या करते हैं प्रेशर करते हैं तो यहाँ पे ऐसे करके लगा होता है, ठीक है, यहाँ से पिन यहाँ पे होता है थ्रेड और यहाँ से आ का फवारा फेंकता है, यहाँ से आ का पूरा फवारा फेंकता है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन लेने के होता है एकदम स्टोव के माध्यम पे ये काम करता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करते हैं, अत्यधिक हवा से बंद करना होता है, छुच्छी लगा जब ओपन कर देंगे
यहाँ से हवा क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, ठीक है। और जब उसको हमको स्टार्ट करना होता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसी में क्रोसिन भरती से बंद कर देते हैं। यहाँ से हवा का प्रेशर, उस प्रेशर के कारण दबाव पड़ता है, इस रास्ते हमारा तेल यहाँ से आता है और क्या किया जाता है, यहाँ पे हम लोग माचिस में यहाँ आग लगा के यहाँ से ये क्या करता है, फवारा की तरफ पूरा आग फेंकता है, ठीक है, पूरा तेजी से प्रेशराइज फेंकता है। इसको चालू करने से पहले इसको हमेशा दीवार की तरफ इसका मुंह करके क्या करना चाहिए, चालू करना चाहिए, नहीं तो कहीं पे भी आग लग सकता है, क्योंकि ये इसका जो फोकस है कभी मतलब कि वो फंसता है बहुत आगे तक फेंकता है, ठीक है। ये देखिए ब्लो लैंप का जो है नोजल है, ये ब्लो लैंप का नोजल है, आपने अगर ब्लो लैंप नहीं देखा होगा, जब आप सुनार के वहाँ जाते हैं किसी धातु को जुड़वाने के लिए तो आप देखेंगे छोटा सा ब्लो लैंप रखा होता है, ठीक है, सोने के धातु को जुड़ने के लिए। लेकिन इस समय तो आर्टिफिशियल आ गया, तो ब्लो लैंप की जगह आप लोग हाई टेम्परेचर से कर रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर माध्यम से कर रहे हैं सुनार लोग, लेकिन ये वाला जो सिस्टम है ये ओल्ड मॉडल है, लेकिन ये वाला सुनार के बाद देखने को इसे आपको मिलेगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके नोजल से यहाँ से हम लोग इसके आग के फवारे को, आग को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। देखिए इसका नाम है क्रीपिंग टूल्स, ये आपका होता है क्रीपिंग टूल्स, ये जो उपकरण है इसका काम कई पर्पजों किया जाता है, लेकिन क्रीपिंग टूल का अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है तो क्रीपिंग टूल का प्रयोग क्या है, तो आप एक ही आंसर देंगे क्या, सिर्फ कि क्रीपिंग टूल का यूज लग बनाने के लिए या लग लगाने के लिए काम में लिया जाता है। लेकिन देखिए ये क्या क्या काम कर सकता है, देखिए यहाँ से एलडब्ल्यू अलग अलग वायर को क्या कर सकता है, यहाँ पे छील सकता है, यहाँ पे लग बना सकता है, यहाँ पे काट सकता है, और यहाँ पर भी क्या कर सकता है, लग बना सकता है, ठीक है। ये कई पर्पज के लिए यूज किया जाता है, लेकिन मुख्य काम क्रीपिंग टूल का क्या होता है, क्रीपिंग करना यानी लग बनाना। जैसे एल्युमिनियम का आप देखते हैं जब लग बनाना होता है तो एक लग ट्रिप आती है, इसमें वायरों को ऐसे डाल दिया जाता है और क्रीपिंग टूल से दाब देते हैं, ठीक है, तो क्या करता है वो ऐसा वो पकड़ लेता है कि फिर कभी छूटता नहीं है। ये क्रीपिंग टूल्स है, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में काम होते हैं, कंप्यूटर के जो होते हैं वहाँ पे यूज किया जाता है। देखिए ये भी लग बनाने का काम है, लग अलग अलग साइज, अलग अलग लगों का यहाँ पे अलग अलग साइज, देखिए 8P है, ये 6P है, और देखिए आपका कटर बना हुआ है प्लग, यानी जो भी आपके इंसुलेशन उतारने होते किसी वायर का, क्योंकि इंसुलेशन उतारने से पहले इंसुलेशन उतार के ही लग बनाया जाता है, इंसुलेशन पे कभी लग नहीं बनाया जाता है, नंगे कंडक्टरों पे लग बनाया जाता है, तो इंसुलेशन उतारने के लिए देखिए कटर भी बना रखा गया है, ठीक है, इंसुलेशन हटाने के लिए। ये आपका क्रीपिंग टूल्स है, देखिए इसे बोलते हैं लाइन टेस्टर या फेस टेस्टर, लाइन टेस्टर या फेज टेस्टर इसे बोला जाता है, क्योंकि ये फेज को क्या करता है, ज्ञात करता है, इसे लाइन टेस्टर या फेज टेस्टर कहा जाता है। और इसमें जो आपका होता है लाइन टेस्टर और फेज टेस्टर में, इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज होती है 500 वोल्ट, मतलब नॉर्मली जो आप यूज करते हैं कोई फेज टेस्टर उसकी रेंज होती है 500 वोल्ट, लेकिन आप अगर एक लाइन को टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे 230 से 250 ही वोल्ट आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। लेकिन कभी भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रेंजिंग हम लोग बढ़ा के ही करते हैं कि उससे ज़्यादा की वोल्ट आए तो क्या करते हैं वो सह सके, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे एक मेटेलिक टच स्क्रू होता है, किसी भी देखिए किसी भी आप टेस्टर में देखेंगे ऊपर क्या होता है, मेटेलिक स्ट्रिप होती है, उसे टच करने के लिए हम क्या होता है सर्किट को कंप्लीट करता है और लाइट बढ़ता है, उसके बाद स्प्रिंग होता है, उसके बाद आपका क्या होता है यहाँ पे नियोन लैंप होता है, इसलिए इसका नाम होता है नियोन टेस्टर लैंप, इसे कहा जाता है, ठीक है, नियोन टेस्टर भी कहा जाता है। फिर एक हाई रजिस्टेंस होता है यहाँ पे, वो रजिस्टेंस जो होता है इस मेटल से क्या होता है कनेक्टेड होता है, ये मेटेलिक रॉड जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, ये मेटल पार्ट होता है, ठीक है। तो इसका देखिए यूज करते हैं, सब ये ध्यान रखना चाहिए कि जब इसको आप ऊपर से टिप को पकड़ेंगे सर्किट कंप्लीट होगा तभी क्या करता है ये न्यू लैंप है जो चलता है। आपको पता है कि जब तक कोई भी सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो कोई भी लाइट नहीं जल सकता, अगर आप इसको मटेरियल टिप पे नहीं छुएंगे तो क्या होता है ये नहीं जलेगा, क्योंकि इधर से तो फेज आ जाएगा, इधर से फेज आएगा, लेकिन इधर से करंट आएगा तो करंट गुजरने के लिए कोई माध्यम की जरूरत पड़ेगी, करंट माध्यम गुजर पड़ेगी तो आपका शरीर यहाँ पे माध्यम बनेगा। और आप कहेंगे लाइट क्यों नहीं मारेगा, अरे लाइट जब मारेगा जब इसकी करंट की मात्रा जब 15 एमएल या
सौ सौ पे होगा तो बहुत ज्यादा मार जान भी ले सकता है, ठीक है। इसकी बहुत ही कम, नियॉन लैंप का क्या है, इस नियॉन लैंप का जो कि पावर रेटिंग बहुत कम होता है, इतना कम होता है, इतना कम करंट लेता है कि हमारे शरीर से करंट कितना हो गुजर उसका करंट गुजर जाए लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जब तक सर्किट पूरा नहीं होता है, जब तक इसको अर्थ नहीं मिलेगा तब तक ये लैंप जलता नहीं है, इसीलिए इसको छूना जरूरी होता है, ठीक है।